हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं शुरू करता हूं मई का एक बहुत ही विशिष्ट वीडियो जो मेरा महीने का बेस्ट वीडियो होता है। इसमें मैं मई के जो 1000 एमसीक्यू हैं उनमें से बेस्ट 200 आप तक लेकर आऊंगा आपके एग्जाम के लिए, और बहुत सारे अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिससे आप 200 की बजाय 500-600 क्वेश्चन कम से कम कवर कर सकें इन्हीं में। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं इन दिए हुए एग्जाम्स के लिए, नबार्ड, एसएससी बैंक पीओ, यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी, लॉ एग्जाम, डिफेंस, यूजीसी नेट पेपर 1 इत्यादि। अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे से जुड़ सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम पे मैं डेली लाइव आता हूं, आप लोगों की क्वेरीज आंसर करता हूं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं gaurav.gar888। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल है कि पहली महिला एडवोकेट कौन बनी है जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टली इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, और ये सातवीं महिला जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की। सातवीं महिला जज, सबसे पहली कौन थी? केरल की थी फातिमा बीवी। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के वो हैं दीपक मिश्रा। भारत के 45वें चीफ जस्टिस हैं, और जो 46वें बनेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली बनेंगे जस्टिस गगोई। अब देखना होगा गगोई बनते हैं कि नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं केएम जोसेफ, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, और सरकार जो है उन्होंने भी क्लियर कर दिया है इनका नाम केएम जोसेफ। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस अजय कुमार मित्तल, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। मणिपुर हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, चेर्नोबिल में लीकेज हुआ था रेडिएशन का, काफी लोग मारे गए थे। जो चेर्नोबिल जगह है ये है यूक्रेन में, और उस वक्त जब ये हुआ था एक्सप्लोजन 1986 में हुआ था, तो आप जानते हैं कि जो रशिया है वो यूएसएसआर था, और बेलारूस, यूक्रेन, रशिया वगैरह ये सब जो है ये आपस में इनमें रेडिएशन लीक हुआ था, और 84 लाख लोग ऐसा माना जाता है इसमें प्रभावित हुए थे। इसके लिए जो लोग मारे गए, इससे जो प्रभावित हुए, जो आजीवन अपंग हो गए, उनकी याद में जो दिवस मनाया जाता है वो है 26 अप्रैल। और यहीं पे मैं आपको बता दूं भारत में भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। एक है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको लेके काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये है तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जैतापुर और तारापुर दो हैं महाराष्ट्र में। एक मिथिवर्डी नाम का प्लांट था जो गुजरात में लगना था, अब ये शिफ्ट हो गया है आंध्र प्रदेश में। एक राजस्थान में है जिसको बोलते हैं रावतभाटा, और एक उत्तर प्रदेश में है जिसको बोलते हैं नरोड़ा। तो ये कुछ आप इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मई का महीना है उसमें इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से थे, और अप्रैल के आखिरी चार दिन में, ये भी याद रखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे ये मनाया गया 25 अप्रैल को। इसका थीम था रेडी टू बीट मलेरिया। उसके बाद 26 अप्रैल को था इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और 26 अप्रैल को ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाया गया जिसका थीम था पावरिंग चेंज, वुमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वल्नरेबिलिटी ऑफ यंग वर्कर। ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं बहुत सारे। इंटरनेशनल डांस डे था 29 अप्रैल को। वेसाक डे था 30 अप्रैल को, ये बुद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है वेसाक डे। इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को था। 1 मई को लेबर डे, श्रम दिवस। 1 मई को ही वर्ल्ड एस्थमा डे, एस्थमा जो हमारे फेफड़ों का रोग होता है, हमारी श्वास नली का रोग होता है, इसका थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू एड्रेस एयरवे डिजीज। वर्ल्ड टूना डे, ये टूना एक मछली होती है, वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, इसका थीम था कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे था 4 मई को। और प्रेस फ्रीडम के बारे में एक चीज याद रखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान था 138। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, फायर फाइटर बोलते हैं जो अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, दमकल विभाग, जो आग बुझाने आते हैं। और अभी अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत की पहली महिला
उसको रिक्रूट करा है फायर फाइटर के तौर पे, जिसका नाम है तानिया सान्याल, तानिया सान्याल, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे 5 मई, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे 8 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, इंटरनेशनल नर्सेज डे, ये बर्थडे होता है फ्लोरेंस नाइटिंगल का, 12 मई। इसका थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। कुछ और, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी जो विचरण करके पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए 12 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई, इसका थीम था फैमिलीज एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का था यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे 16 मई, इसका थीम था डेवलपमेंट एंड डबलिंग द फार्मर्स इनकम थ्रू एग्री टूरिज्म, और हमारी सरकार का जो टारगेट है इनकम डबल करने का फार्मर का, वो है 2022। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई, 16 मई को ही था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसका थीम था एनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। 17 मई को ही था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाईफोबिया, जिसका थीम था अलायंसेस फॉर सॉलिडेरिटी। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, हाइपरटेंशन बोलते हैं उच्च रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका थीम था नो योर नंबर, हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80, 120 होता है सिस्टोल, 80 होता है डायस्टोल। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई, 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे था, इसका थीम था हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, न्यू अप्रोचेस, न्यू पब्लिक्स। वर्ल्ड बी डे था 20 मई, और मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट था 21 मई। एंटी टेररिज्म डे था 21 मई, ये वो दिन होता है एंटी टेररिज्म डे जिस दिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को LTTE के आतंकवादियों ने मार दिया था 1991 में। जगह का नाम था श्री परम्बुदूर, चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता के लिए जो दिन होता है वो 22 मई को था, जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 23 मई को था, इसका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, लेट अस कमिट टू एंडिंग फिस्टुला नाउ। कॉमनवेल्थ दिवस था 24 मई को, कॉमनवेल्थ की जो पूर्व हेड थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ, लेकिन उसके बाद बन गए प्रिंस चार्ल्स। 29 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, और याद रखिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा जो फौज है वो भारत की है, भारत के लगभग 2 लाख सिपाही हैं जो यूएन पीस कीपर्स में अपना योगदान देते हैं। इसका थीम था यूएन पीस कीपर 70 ईयर ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस, और कॉमनवेल्थ डे का थीम था टूवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर। वर्ल्ड नो टोबैको डे था 31 मई को, टोबैको एंड हार्ट डिजीज इसका थीम था। चलिए, काफी सारे दिवस आपको याद करने पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार मतलब दिवस थे, मई के बहुत आते हैं एग्जाम में, खासकर वर्ल्ड टोबैको डे, लेबर डे, कॉमनवेल्थ डे, ये तो बहुत ही फेवरेट है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस है फ्रांस की राजधानी। आपको बताना है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर में भारत का रैंक क्या था, भारत का रैंक था 138। नंबर वन कौन था, नंबर वन था नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और सबसे आखिरी पोजीशन थी नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग उन। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं सिंगापुर में, अब ये मिलते हैं कि नहीं वो देखना होगा। ये खैर दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इनसे अभी अभी मिले थे, जो एक कोरियन समिट था ऐतिहासिक। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योनयांग, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। इसके अलावा पाकिस्तान 139 नंबर पे था, भारत के एकदम एक कदम पीछे, और चाइना 176। इसके अलावा पेरिस में हेडक्वार्टर यूनेस्को का भी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का भी है। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है इनमें से कौन से देश के साथ हमने जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, औषधीय पौधे, उनको बचाने के लिए, उनको उगाने के लिए, उनमें आपसी सहयोग के लिए, और जो हमारे परंपरागत मेडिसिन सिस्टम है जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद वगैरह, उसमें हमने साइन करा है कौन से देश के साथ MOU। हमने एग्रीमेंट करा है साओ टोम एंड प्रिंसिप के साथ, साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो सारे MOU एक ही स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे जो इस महीने में हुए हैं। पेरू के साथ हमने करा है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में,
जिसके मंत्री हैं हमारे आर के सिंह। म्यांमार के साथ बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं। सूरीनाम के साथ किया है इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो चुनावी प्रक्रिया है हमारी, चुनावी प्रणाली, उसमें सुधार के लिए। स्वाजीलैंड देश का नाम हो गया है नया ई स्वातिनी। इस देश के साथ हमने करा है हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में। फ्रांस के साथ करा है रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। मोरक्को के साथ करा है माइनिंग और जियोलॉजी के क्षेत्र में और लीगल के क्षेत्र में। कोलंबिया के साथ करा है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के क्षेत्र में। इक्वेटोरियल गिनी के साथ भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स। अंगोला के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंगोला वैसे ओपेक का मेंबर भी है, हम तेल भी खरीद सकते हैं अंगोला से। टर्की के साथ करा है हमने पॉपी सीड्स के लिए, टर्की से हम आयात करेंगे पॉपी सीड्स का। डेनमार्क के साथ खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी के लिए। सिंगापुर के साथ करा है पर्सोनेल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जापान के साथ करा है हमने एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर थ्रू MMTC, मेटल्स एंड मिनरल्स जो हमारी कंपनी है MMTC, और साउथ कोरिया के साथ भी उसी के लिए किया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ हमने किया है ICAI जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है भारत का, और साउथ अफ्रीका का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, आपस में दोनों ने एक टाई अप करा है। कुवैत के साथ हमने करा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ब्रुनई जो देश है, ब्रुनई दारुसलम बोलते हैं, उसके साथ करा है हमने टैक्स संबंधी, कर संबंधी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और पनामा के साथ करा है कृषि और वीजा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के लिए, यानी जो एक दूसरे देश के राजदूत हैं उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारे MOU एक ही जगह लिखने से बड़ा आसान हो जाता है इनको याद करना। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, सिक्किम के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और इस पार्टी का नाम है हमरो सिक्किम। ये बनाई है बैचुंग भूटिया ने। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में आपको भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी मिल जाएगी जिसको बोलते हैं कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पवन चेमलिंग, ये सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बैचुंग भूटिया इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था इन्होंने, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। अगर कोई पूछे क्या खेलते थे तो आंसर है फुटबॉल। सिक्किम भारत का पहला खुले में शौचमुक्त यानी ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य बना, और सिक्किम ही भारत का पहला और एकमात्र ऑर्गेनिक राज्य भी है जहां पे ऑर्गेनिक खेती करी जाती है। सिक्किम का जो स्टेट एनिमल है वो है रेड पांडा। इनमें से कौन सी राज्य की सरकार ने एक एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी है? एयर एम्बुलेंस सर्विस यानी हेलीकॉप्टर की मदद से जो पेशेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, ये करा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इनमें से वन धन स्कीम जो है वो किसने लॉन्च करी? इसको हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्रालय और ट्राइफेड ने मिलकर लॉन्च करा है। इसको लॉन्च करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि भाई जो पहला वन धन विकास केंद्र है वो कहां पे खुलेगा? वन धन विकास केंद्र ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ का बीजापुर यहां पे पहला खुला है वन धन विकास केंद्र। और यहां पे क्या काम होंगे? यहां पे जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, और भारत में अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा आदिवासी हैं दूसरे नंबर पे, तो आदिवासियों की हम इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर कार्य होंगे। फॉरेस्ट से मिलने वाली जो संपदा है, जो प्रोड्यूस है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, इस पर कार्य होंगे जिससे हमारे ट्राइबल की इनकम बढ़ सके। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में खुला पहला वन धन विकास केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला आयुष्मान भारत जो स्कीम है आप जानते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा हर परिवार को एक साल के लिए, 10 करोड़ परिवार कवर किए जाएंगे, आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं इसे। इसके लिए आयुष्मान भारत का पहला वेलनेस सेंटर एक तरह का हॉस्पिटल ही होता है छोटे लेवल पे, ये कहां पे खुला? उसका आंसर भी है बीजापुर छत्तीसगढ़। तो बीजापुर छत्तीसगढ़ के नाम दो रिकॉर्ड रहे, सबसे पहला वन धन विकास केंद्र भी यहां खुला और आयुष्मान भारत के तहत पहला वेलनेस सेंटर भी यहां पे खुला। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्राम स्वराज अभियान शुरू कराया। ग्राम स्वराज अभियान ये कहां से शुरू कराया? तो ये शुरू करा है मांडला है मध्य प्रदेश में। और एक चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण अभियान कहां से स्टार्ट करा है? तो ये करा है झुंझुनू राजस्थान से। तो एक में आपके 4 सवाल मैंने आपको बता दिए। हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मीजल और रुबेला के टीकाकरण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्होंने दो लोगों को बनाया है। एक तो बनाया है गौरी शेरोन को, जो इस सवाल का आंसर है,
और एक बनाया है मनु भाकर को, दोनों को बनाया है और दोनों शूटर हैं, दोनों कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो दोनों हरियाणा की हैं और दोनों ने हरियाणा का नाम ऊंचा कराया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बनाया है अनु कुमारी को, जिनकी यूपीएससी में रैंक आई है नंबर 2। इस बार हरियाणा ने जबरदस्त परफॉर्म करा है, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 5 इस बार हरियाणा के थे। जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है कि शेड्यूल एरियाज कौन से राज्य ने पांचवी सूची के तहत, फिफ्थ स्केड्यूल के तहत डिक्लेयर किए हैं। ये राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान ने कई सारे एरिया हैं जिनको डिक्लेयर किया है। राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का नेशनल पार्क मिलेगा और रणथंबोर नेशनल पार्क, और एक मिलेगा कियोलाडियो जिसे हम भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है। ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा एक सवाल पूछता हूँ आपसे, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। रणथंबोर नेशनल पार्क में एक बहुत फेमस टाइगर था, बहुत फेमस टाइगर। कहते हैं कि ये टाइगर, इसकी सबसे ज़्यादा फोटो खींची गई थी पिछले कई दशकों में। इस टाइगर का नाम क्या था? इस टाइगर का नाम M से स्टार्ट होता था, बहुत ही आइकॉनिक टाइगर था जिसकी डेथ हो गई थी, आई थिंक 2 साल पहले डेथ हो गई थी, 2 या 3 साल पहले। इसका नाम कमेंट्स में लिख के जो बताएगा उस पर मुझे गर्व होगा। वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक नए तरह का मेंढक खोजा है जिसका नाम रखा है फजरवारिया गोमची। ये फजरवारिया गोमची कौन से राज्य में खोजा गया है? ये खोजा गया है गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, और जो INSV तारिणी जो नाविका सागर परिक्रमा पे गई थी, 6 लड़कियां हमारी, 6 जाबाज अफसर, वो भी गोवा में लौटी, पंजी में, और गोवा से ही वो चली थी। इसके अलावा एक सांप खोजा गया है अभी अभी जिसका नाम है यूरोपेल्टिस भूपतेई, और ये जो भूपतेई है इसका नाम भूपतेई इसलिए रखा है क्योंकि एक रेंगने वाले जीवों के मशहूर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस भूपति, तो एस भूपति के नाम पे इसका नाम रखा है यूरोपेल्टिस भूपतेई। ये एक तरह का सांप है, ये अभी अभी खोजा गया है अनईकट्टी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में। और एक और मेंढक खोजा गया है अभी अभी जिसका नाम है माइक्रोहेला कोडियाल, ये खोजा गया है मेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। और यहीं पे मैं एक चीज और बताता हूं आपको, तमिलनाडु में एक और पहाड़ियां हैं जिनका नाम है बोदी वेस्ट हिल, बोदी की पहाड़ियां पश्चिम में, बोदी वेस्ट हिल। ये न्यूज में क्यों थी? ये भी तमिलनाडु में है। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहां पे इंडिया ने अपना न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट बनाया है। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट भारत का बना है बोदी वेस्ट हिल तमिलनाडु में, और डिस्ट्रिक्ट पूछने तो डिस्ट्रिक्ट है थेनी डिस्ट्रिक्ट, थेनी। और यहीं से 5 किलोमीटर दूरी पे है सिर्फ केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर है, तो केरल का मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क इससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखना है आपको, और ये है केरल में। अभी अभी अमरीका के 70वें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने? अमेरिका में विदेश मंत्री को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे हमारी सुषमा स्वराज हैं विदेश मंत्री, तो अमेरिका के जो बने हैं नए, उनका नाम है माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो इससे पहले CIA के डायरेक्टर थे अमेरिका में, पर अब बन गए वहां के विदेश मंत्री, और इन्होंने रिप्लेस करा रेक्स टिलरसन को। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रंप, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप को फर्स्ट लेडी भी बोलते हैं, फर्स्ट लेडी। इसके अलावा ये हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, यूनाइटेड स्टेट की पोस्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन हैं डोनाल्ड ट्रंप के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के हैं अजीत डोवल, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, और माइक पोम्पियो पहले CIA के डायरेक्टर थे, और इनकी जगह ली पहली बार अमरीका के इतिहास में एक फीमेल CIA की डायरेक्टर बनी है जिनका नाम है जीना हेस्पल। डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं जेम्स मैटिस, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्टीवन नुचिन, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लैरी कुडलो। तो इसमें आपको जो याद रखने हैं वो हैं सिर्फ 4, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे हमारे हैं अरविंद सुब्रमण्यम भारत के, और CIA के डायरेक्टर जीना हेस्पल। इसके अलावा चाइना में भी कुछ उथल पुथल हुई। चाइना में स्टेट काउंसिलर बने हैं वैंग यी, प्रधानमंत्री ली केकियांग, और राष्ट्रपति तो सब जानते हैं शी जिनपिंग, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वैंग किशान, और चाइना का जो सेंट्रल बैंक है जिसको बोलते हैं PBOC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ठीक उसी तरह से, उसके जो गवर्नर हैं वो बने हैं ई गैंग। तो ये थोड़े से नाम, चाइनीज नाम आप जानते हैं, थोड़े से याद रखने मुश्किल होते हैं, तो इनका बार बार रिविजन जरूरी है। कौन सा मंत्रालय है जिसने उन्नत भारत अभियान लॉन्च करा है? इसका दूसरा अध्याय, इसको लॉन्च करा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, HRD मंत्रालय ने। इसमें 750 स्टूडेंट
हमारे हायर इंस्टीट्यूशन से वो गांव में जाएंगे और गांव को गोद लेंगे और गांव का विकास करेंगे। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और इसमें आईआईटी दिल्ली इसको इसका जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो कर रहा है आईआईटी दिल्ली। इनमें से कौन सा मंत्रालय है भारत का जिन्होंने अटल न्यू इंडिया चैलेंज को लॉन्च करा है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज को लॉन्च करा है नीति आयोग ने, और इसके साथ 5 मंत्रालय हैं जो जिनके साथ मिलकर लॉन्च करा है, ये भी याद रखिए। नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी लाल किला और आंध्र प्रदेश का गोंडीकोटा फोर्ट को गोद लिया है, एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट? ये कंपनी है डालमिया भारत, डालमिया भारत। और आपको यह भी बता दूं कि 22 ऐसे हमारे स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट हैं, जिनको चौथे चरण में विभिन्न कंपनियों ने गोद लिया है। इसमें जो गोद लेने वाली कंपनियां हैं जो इनको अडॉप्ट कर रही हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं और सरकारी भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। इनमें से कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया अभी अभी? ये हैं मंत्री हमारे श्रम मंत्री, जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत जो है वो इनमें से कौन से कंट्री के साथ मिलके एक पॉल्यूशन फॉरकास्ट सिस्टम तैयार कर रहा है? पॉल्यूशन फॉरकास्ट सिस्टम का नाम क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं। इसका नाम है सफर, और सफर की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसको बोलते हैं सफर। और इसको चलाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का? आईआईटीएम पुणे। तो ये भारत फिनलैंड और अमेरिका के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। 1 and 2 इज द आंसर। अभी अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है मोबाइल आवास, एम आवास। ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इस ऐप को बनाया है एनआईसी ने। इनमें से मार्था फेरल अवार्ड किसने जीता इस साल के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए? यह अवार्ड मिला है नादिया शाफी को। नादिया शाफी जो है ये एक रिपोर्टर है श्रीनगर से। टोनी डैनियल का निधन हो गया, इनका संबंध किस चीज से था? ये एक खिलाड़ी थे और ये एक धावक थे। ही वॉज अ इंडियन स्प्रिंटर, सो आंसर है ही वॉज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। और ये वो लोग हैं जिनका निधन हो गया, जिन्हें हमने खो दिया मई में। बालांतरापू रजनीकांत राव एक लेखक और कंपोजर थे। पीपी लक्ष्मण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, अभी जो है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो है प्रफुल पटेल। अशोक मित्रा ये एक इकोनॉमिस्ट थे और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे पूर्व। ब्रिगेडियर फ्रांसिस रेजिस कैंपोस ये एक भारत और पाकिस्तान की 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी उसमें एक वेटरन थे, उसमें एक फौजी थे। कोटायम पुष्पनाथ एक वो थे लेखक नॉवलिस्ट थे। रविंद्र शर्मा आर्टिस्ट थे। के आर भूषण स्वतंत्रता सेनानी ये रायपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी थे। देव मिचेनर एक कार्टूनिस्ट थे, एनिमेटर थे। इद्रिस हसन लतीफ इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे पूर्व। डॉक्टर निर्मल हिरावत एक नेता, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता। अरुण दाते ये सिंगर थे मराठी के। बी एन विजय कुमार एक नेता थे, बीजेपी एमएलए थे कर्नाटक से। एना कोट्स एक एडिटर थी यानी पत्रकार थी एक तरह से। राजेंद्र पाल क्रिकेटर थे। अंकित चड्ढा स्टोरी टेलर थे। डेविड गुडाल एक जिसे कहते हैं पौधों के वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट और इकोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया से। बलकावी बैरागी ये एक कवि और नेता, इनका असली नाम था नंदराम दास बैरागी। यमुनाबाई वेकार ये लावणी गाने वाली सिंगर थी। टॉम वुल्फ पत्रकार। झाओ कांगमिन पुरातत्व विभागी आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने चाइना के जो टेराकोटा वॉरियर हैं उनकी खोज की थी। बाला कुमारन लेखक थे तमिलनाडु के, तो ये भी याद रखना है कहाँ के थे, आंसर है तमिल भाषा में लिखते थे। रघुवीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी। विनोद भट्ट लेखक गुजराती लेखक थे और कॉमेडी वगैरह लिखते थे, ह्यूमरिस्ट थे, सटायर लिखते थे। बंसीधर पांडा एक औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज के फाउंडर थे इस कंपनी के, और ये उड़ीसा से थे। यदानापुड़ी सुलोचना रानी एक लेखिका थी। तो ये सारे लोग हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं BIS, उसने पहला लाइसेंस दिया है
इनमें से कौन सी कंपनी को इजाजत दी है कि वो लिक्विड क्लोरीन बना सकती है? ये कंपनी है गुजरात अल्कली एंड केमिकल लिमिटेड। और जो क्लोरीन है उसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड क्लोरीन का। भारत के कौन से वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो मेडल जीते एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो उज्बेकिस्तान के उरगंज शहर में हुई थी? उज्बेकिस्तान की वैसे राजधानी है ताशकंद। इनका नाम है जेरेमी लाल रिनुंगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां खेल में रही। फॉर्मूला वन रेस की बात करें तो अजरबैजान ग्रां प्री जीती लुइस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। और स्पेनिश ग्रां प्री भी जीत ली लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश लीग जिसे बोलते हैं ला लीगा, ये खिताब जीता बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। चार देशों का अंडर 16 टूर्नामेंट हुआ था, इसको जीता इंडिया ने। यूएफा यूरोपा लीग जीती एथलेटिको मैड्रिड ने और यूएफा चैंपियंस लीग जीती है रियल मैड्रिड ने। दोनों में फर्क है, यूरोपा लीग छोटा कॉम्पिटिशन होता है, चैंपियंस लीग थोड़ा सा बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। तो चैंपियंस लीग जीती रियल मैड्रिड ने और मैड्रिड शहर की एक टीम है एथलेटिको मैड्रिड, उसने जीती यूएफा यूरोपा लीग। एक नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, यह जीता केरल की कोची टीम ने। फिफ्थ वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती साउथ कोरिया ने और इन्होंने इंडिया को हराया फाइनल में, तो भारत ने जीता सिल्वर। ये हॉकी की बात हो रही है यहां पे। बाल प्रशांत रेसिंग में इन्होंने जीती फॉर्मूला जूनियर रेसिंग सीरीज 2018 चैंपियनशिप। अगर बात करते हैं साबर फेंसिंग की, इसमें सीए भवानी देवी ने रजत पदक जीता सिल्वर मेडल तुरनोई वर्ल्ड कप वुमेन सैटेलाइट फेंसिंग टूर्नामेंट में। गगन नारंग और पूजा घाटकर ने सिल्वर मेडल जीता ग्रां प्री ऑफ लिबरेशन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन 10 मीटर राइफल में। और तेजस्विनी सावंत और अंजुम मोडगिल ने गोल्ड और सिल्वर जीता म्यूनिक ग्रां प्री में वुमेन्स 50 मीटर राइफल प्रॉन में। और चेन सिंह ने सिल्वर जीता मेन्स 50 मीटर राइफल प्रॉन में। हीना सिद्धू जो डॉक्टर हैं और शूटर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ हैनोवर जो जर्मनी में हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल में। रमित टंडन ने आबू धाबी ओपन जीता मैन सिंगल में। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कनमिंग ओपन ATP चैलेंजर सर्किट जीता, बात हो रही है टेनिस की। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने दो टूर्नामेंट जीते हैं, एक बार्सिलोना ओपन और एक इटालियन ओपन। अलेक्जेंडर जवारेव ने जीता मैड्रिड ओपन और पेट्रा कवीटोवा ने जीता मैड्रिड ओपन फीमेल में। इनमें से कौन से भारत के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें 2018 टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में स्थान दिया है? इनका नाम है भावीश अग्रवाल। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, सत्य नडेला ये भी हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो इसलिए ये एंटरप्रेन्योर है भावीश अग्रवाल। और ये ओला कंपनी जो है टैक्सी वाली, कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला, उसके CEO हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने मिशन लकाडोंग शुरू करा है, जिसे लकाडोंग नाम की जो टर्मरिक होती है उसका विकास किया जा सके, उसको बूस्ट किया जा सके? ये एक खास किस्म का टर्मरिक होता है जो यहां पे उगाया जाता है, ये है मेघालय। और मैं आपको बता दूं, मेघालय के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और मेघालय जो है ये वो राज्य है जहां पे आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से, अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव और मेघालय से पूरी तरह से हटा दिया है आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनके गवर्नर याद रखना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो यहां पे मैंने सारे लिख दिए हैं, आप फटाफट याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, मेघालय के गंगा प्रसाद, मणिपुर के जगदीश मुखी, असम के भी जगदीश मुखी, मिजोरम के कुमानम राजशेखरन अभी बने हैं। और भारत में मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार पंजाब मिजोरम में है सिर्फ, और कर्नाटक में गठबंधन में है। PB आचार्य नागालैंड के, तथागत रॉय त्रिपुरा, श्रीनिवास पाटिल सिक्किम, और गणेशी लाल, ये अलग से लिखा है मैंने उड़ीसा क्योंकि ये रिलेटिवली नए बने हैं, इसीलिए लिखा है गणेशी लाल, क्योंकि इनसे पहले थे SC जामिर। जब SC जामिर चले गए तो उसके बाद जो सत्यपाल मलिक थे बिहार के गवर्नर, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया उड़ीसा का, लेकिन अब प्रॉपर नए गवर्नर बने उड़ीसा के गणेशी लाल। 127वां खोंग जॉम दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया गया कौन से राज्य में? 127वां खोंग जॉम दिवस ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में क्यों मनाया गया? क्योंकि एक मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी 1891 में, उसकी याद में ये मनाया जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह मणिपुर के। और मणिपुर की दो खिलाड़ी याद रखनी है आपको, एक तो है मैरी कॉम और एक है मीराबाई चानू। मैरी कॉम है बॉक्सर और मीराबाई चानू है वेटलिफ्टर।
कौन सी एक्सरसाइज भारत की नेवी ने करी केरला, माहे और लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में? इसका नाम था सागर कवच। भारतीय जो नेवी है इसके चीफ हैं सुनील लांबा। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप करा है एक बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है भाभा कवच? हमारी सेना के लिए भाभा कवच, इसको करा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, जिसको बोलते हैं बी ए आर सी। शिरुई लिली त्योहार ये कौन से राज्य में मनाया गया? ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है जिसको बोलते हैं शिरुई लिली, तो इसका आंसर भी है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? संगई। मारियो अब्डो बेनिटेज ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये अभी अभी बने हैं पैरागाय के, पैरागुए बोलते हैं वैसे इसे, साउथ अमेरिका का देश है पैरागुए, और इसकी कैपिटल है असुनसियोन, और मुद्रा है इसकी, करेंसी है गुआरानी। इसके अलावा ये हैं कुछ नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी अभी, आपको सिर्फ 6 याद रखने हैं। तो पैरागाय को तो मैंने बता दिया, मारियो अब्डो बेनिटेज। कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं कार्लोस अलवराडो। वेनेजुएला के दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं निकोलस मदुरो। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशिनियन। रशिया के प्रधानमंत्री बने हैं दमित्री मेदवेदेव, और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी 6 साल के लिए बने हैं। रशिया का राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुना जाता है, अमेरिका का 4 साल के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं 4 साल के लिए, व्लादिमीर पुतिन 6 साल के लिए, और भारत और चाइना का राष्ट्रपति चुना जाता है 5 साल के लिए। महातीर मोहम्मद 92 वर्ष के हैं, सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं दुनिया के, मलेशिया के बने हैं। इन्होंने नजीब रजक को हराया, नजीब रजक की पार्टी को हराया। इसके अलावा भारत के कुछ नए राजदूत बने हैं जो यहाँ पे एक टेबल बनी है सारे एक साथ एक जगह पे, सिर्फ 7 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर्वे में भारत के राजदूत होंगे कृष्ण कुमार, वेनेजुएला में होंगे राजीव कुमार नागपाल, चेक गणराज्य में नरेंद्र चौहान, ओमान में मुनु महावर, साउथ सूडान में एस डी मूर्ति, सूरीनाम में महेंद्र सिंह कन्याल, और मोरिटानिया में प्रदीप कुमार गुप्ता। कौन से राज्य की सरकार ने प्रवासी पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है? प्रवासी पेंशन स्कीम, इसमें जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं वो एलिजिबल हैं, ये स्टार्ट करी है केरल की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ पे सीपीआईएम की सरकार है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ पे सीपीआईएम की सरकार है, वो है केरल। इससे पहले त्रिपुरा में भी सीपीआईएम की सरकार थी, लेकिन फिर भाजपा ने इनको हरा दिया था, और भाजपा के पहले माणिक सरकार थे सीपीआईएम पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, फिर बन गए बिप्लब कुमार देव। कौन सी कंपनी है जिसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर वर्चुअल रियलिटी वीडियोस बनाने का निर्णय लिया है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म कैंपेन के लिए? यह कंपनी है गूगल। इसे करेगा गूगल का आर्ट एंड कल्चर, और गूगल इसके लिए यूज करेगा अपना ई हेलो नाम का कैमरा, ई हेलो। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और हमारे पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस। वैसे तो केजे अल्फोंस केरल के हैं, पर अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। भारत ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी अपनी हरिमो शक्ति, कौन से देश के साथ करी? और बता दूं आपको, यह पहली बार है भारत ने इस देश के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। यह करी इन्होंने मलेशिया के साथ, मलेशिया जिसके नए प्रधानमंत्री हैं महातीर मोहम्मद, 92 साल के, राजधानी है कुआलालंपुर। हमारा जो गृह मंत्रालय है उन्होंने आफ्सपा को कहां से हटा लिया है? इन्होंने हटा लिया आफ्सपा को मेघालय से हटा लिया है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। हालांकि नागालैंड, असम, मणिपुर वगैरह में ऑलरेडी ये लगा हुआ है। त्रिपुरा से ऑलरेडी हटा लिया था हमने 2015 में, त्रिपुरा से हटा लिया था, और मिजोरम में ये लगा नहीं हुआ है। तो मिजोरम में आफ्सपा नहीं है, मेघालय से अब हटा लिया, त्रिपुरा में नहीं है अब, अरुणाचल के पूरे अरुणाचल में नहीं है, कुछ जगह पे है, लेकिन हाँ नागालैंड और मणिपुर में काफी है, नागालैंड असम और मणिपुर में है। इनमें से कितना लोन वर्ल्ड बैंक दे रहा है भारत को इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट के लिए? वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, हम लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से $125 मिलियन, लगभग 800 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। 4 लोन और हमने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं अभी इसी महीने। नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसके लिए हमने लिया है 1600 करोड़ का ऋण। इनोवेट इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए जैसा मैंने बताया $125 मिलियन। पोषण अभियान के लिए लिया है $200 मिलियन पोषण अभियान, और इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी स्केल अप प्रोग्राम के लिए $300 मिलियन जिसमें हम क्लीन एनर्जी ग्रीन प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी एक डाक टिकट जारी करी हेमवती नंदन बहुगुणा के फोटो लगा के, ये डाक टिकट लॉन्च करी। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा। भारत में
पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की उत्तर प्रदेश की थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, क्या आप कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरी मुख्यमंत्री बनी थी महिला, वो कौन थी सुचेता कृपलानी के बाद? कौन सी टीम है जिसने नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट जीता जो कोची में हुआ था? इसको कोची नहीं जीता, दृष्टिहीनों के लिए जी हुआ था ये फुटबॉल टूर्नामेंट, और इन्होंने फाइनल में हराया बेंगलुरु को। कौन सी एयरलाइन है जिसने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA को ज्वाइन कर लिया है? ये एयरलाइन है विस्तारा, और विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का मिलकर ज्वाइंट वेंचर है जिसको बोलते हैं विस्तारा। कौन से राज्य की सरकार ने भू सेवा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है? भू सेवा स्टार्ट करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस प्रोजेक्ट में जो भी जमीन के टुकड़े हैं उनमें एक भूधार नंबर मिलेगा, यह 11 अंकों का एक नंबर होगा। आंध्र प्रदेश में एक पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है, पापीकोंडा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है नर ऐप, क्योंकि इनका नाम ही है नरा चंद्रबाबू नायडू, और इन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया था अपना भाजपा से। इसी वजह से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो भी चेंज हो गए थे, तो अब नए नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और आंध्र प्रदेश एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है पोलावरम सिंचाई के लिए। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट तेलंगाना भी बना रहा है जिसका नाम है कालेश्वरम। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने भारत का पहला वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी नेविगेशन लॉन्च करा है? इससे फेफड़ों के जो रोग हैं वो जल्दी पकड़े जा सकेंगे। ये इंस्टीट्यूट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, नई दिल्ली। आपको बता दूं एम्स को अभी कायाकल्प पुरस्कार भी मिला है, कायाकल्प पुरस्कार। एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। कौन सा बैंक है जिसने अपना एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है ईरा? इस बैंक के दो रोबोट हैं, एक तो है ईवा और एक है ईरा। यह बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। ये एचडीएफसी बैंक एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब यह है कि इस बैंक का जो एसेट है भारत के 2% ऑफ द GDP से ज्यादा है, यानी यह बैंक बहुत अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये एकमात्र बैंक है जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारत में ये सिर्फ 3 कंपनी है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मुकेश अंबानी की है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टाटा ग्रुप की है, जिनकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है। कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ के? तो ये हैं पवन चैमलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। 25 साल लगातार इनको हो गए मुख्यमंत्री, ये मतलब तब से हैं ये। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनाउंस करा है कि उन्होंने रोगी कल्याण समिति बनाने का निर्णय लिया है हर विधानसभा क्षेत्र में? रोगी कल्याण समिति कौन बनाएगा? ये बनाएगा दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के हिसाब से भारत का इकोनॉमी कितना ग्रो करेगा 2018-19 में? भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो होगी 7.5% नीति आयोग के हिसाब से। 26वां PC चंदर पुरस्कार किसे मिला है? ये अवार्ड इन्हें दिया शर्मिला टैगोर ने, ये मिला है मशहूर सिंगर आशा भोसले को। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जिसे बोलते हैं PIB, इसके नए चीफ कौन बने हैं? 27th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये हैं सितांशु कार, पूरा नाम है सितांशु रंजन कार, और इन्होंने रिप्लेस करा है फ्रैंक नोरोनिया को। फ्रैंक नोरोनिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, पहले इसकी मंत्री थी स्मृति ईरानी, अब हो गए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये कुछ और अपॉइंटमेंट है जो याद रखने हैं। कविंदर गुप्ता, ये जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कविंदर गुप्ता मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती सैयद, जो PDP पार्टी की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भाजपा के साथ गठबंधन है। राहुल भाटिया इंडिगो कंपनी के CEO बने हैं। जस्टिन लैंगर ये कोच बने हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के, इनसे पहले थे डेरेन लीमन। टिम पेन ये कैप्टन बने हैं ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के, और T20 के बने हैं आरोन फिंच। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के चेयरमैन बने हैं मुरली मनोहर जोशी। लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी है इसके एमिनेंट जूरिस्ट बने हैं मुकुल रोहतगी, जो अभी तो के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है, इससे पहले थे मुकुल रोहतगी। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र सिंह।
उड़ीसा की जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसके चेयरमैन है भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर दिलीप टर्की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं सीके प्रसाद। ललित कला अकेडमी के चेयरमैन उत्तम पंचार ने और एयरटेल पेमेंट बैंक के शशि अरोड़ा के बाद जो एमडी बने हैं वो हैं अनुव्रता विश्वास। तो ये सारे नाम सुपर इंपॉर्टेंट हैं, सुपर अपॉइंट जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं इस महीने ये वो हैं सारे। इनमें से कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 मई को? तो ये हैं गुजरात और महाराष्ट्र। 1 और 2। गुजरात में एक तो मैरीन नेशनल पार्क है, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, और एक है वेलावडर नेशनल पार्क जहां पे ब्लैक बक रखे जाते हैं। ब्लैक बक, जो ब्लैक बक है ये पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। इसके अलावा गुजरात में वंसदा नेशनल पार्क भी है और गिरनार की पहाड़ियों में जो एशियाटिक लायन है उसके लिए गिर नेशनल पार्क भी है। भारत की कौन सी साब्र फेंसर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता तोर्नोई वर्ल्ड कप वुमेन सैटेलाइट फेंसिंग टूर्नामेंट जो आइसलैंड की राजधानी रेकियाविक में हुआ था? इनका नाम है भवानी देवी, सीए भवानी देवी। और ये कहां से हैं? ये हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु आजकल न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि यहां पे टूटीकोरिन नाम की जगह है। टूटीकोरिन का दूसरा नाम है थुट्टुकुड़ी, इसे थुट्टुकुड़ी भी बोलते हैं। तो टूटीकोरिन में जो वेदांता कंपनी है उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है जिसका नाम था कॉपर स्टरलाइट फैक्ट्री। एबीबी ने भारत का सबसे पहला इंडस्ट्रियल सोलर माइक्रोग्रिड ये कौन से शहर में बनाया है? ये बना है वडोदरा में। वडोदरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है गुजरात में। और आपको बता दूं गुजरात में एक जगह है धोलेरा, धोलेरा में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता होगी 5 गीगावाट। अब बनेगा तब देखेंगे, अभी सबसे बड़ा है कर्नाटक में जिसका नाम है शक्ति स्थल है टुमकुर में, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। इनमें से वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा? जो शिकागो में होगा। शिकागो वही जगह है जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार यहां पे स्पीच दी थी जो बहुत फेमस हो गई थी। कब दी थी? 11 सितंबर 1893 को, स्वामी विवेकानंद। तो इसकी अध्यक्षता करेंगी तुलसी गबार्ड। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने गोबरधन योजना लॉन्च करी? गोबरधन बेसिकली हम जो गाय और भैंस वगैरह का गोबर होता है उससे बायोगैस वगैरह बनाएंगे, मीथेन होती है उसमें, बायोगैस वगैरह में मेनली गोबरधन में, और इसको खाद के तौर पे यूज करेंगे। ये लॉन्च करी मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और साथ में कौन था? साथ में थी उमा भारती। इसमें बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। और ये लॉन्च कहां से करी? तो आंसर है करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यहां पे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और करनाल में है जिसे कल्पना चावला का शहर भी बोलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है हमारी, उसने सबसे पहली मॉक एक्सरसाइज करी बायो डिजास्टर को लेके, कौन से एयरपोर्ट पे करी? एक नकली एक्सरसाइज होती है चेक करने के लिए कि कितने तैयार हो, अगर असली में कोई दिक्कत आ जाए तो। ये एयरपोर्ट था लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, और ये कौन से एयरपोर्ट है? ये है पटना एयरपोर्ट। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश में है राजा भोज एयरपोर्ट, या वीर सावरकर एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में, और हर एयरपोर्ट का अपना एक विशिष्ट नाम जरूर होता है, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्होंने अभी अभी सतगुरु कबीर इनका 620वां प्रगोत्सव मनाया। ये कौन से राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया अभी अभी सागर में, और सागर कहाँ पे है? सागर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एक कड़कनाथ मुर्गा है जिसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है ये। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कई लोग ये मामा जी बोलते हैं। खैर मध्य प्रदेश के जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल थी पर वो छुट्टियों पे चली गई हैं, तो उनकी जगह ली है ओम प्रकाश कोहली ने, गुजरात के गवर्नर, अब मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, पन्ना है, कान्हा, पेंच, ये सब हैं। अब ये बताइए कमेंट्स में लिख के कि कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जिसने भूर सिंह नाम का एक बारहसिंघा उसे अपना मैस्कॉट बनाया है, शुभंकर बनाया है, भूर सिंह बारहसिंघा। कौन से फॉर्मूला वन ड्राइवर ने अजरबैजान ग्रां प्री जीत ली? ये जीती लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज ड्राइवर फ्रॉम ब्रिटेन। और अभी तक जो रेस हुई है, टोटल 6 रेस हो चुकी हैं जब तक हम बात कर रहे हैं, आज 29 मई है, 6 रेस हो चुकी हैं इस सीजन की, किस किसने जीती देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती सेबेस्टियन वेटल ने जो फरारी गाड़ी चलाते हैं। बहरेन ग्रां प्री जीती सेबेस्टियन वेटल ने, अगेन फरारी गाड़ी चलाते हैं। चाइनीज ग्रां प्री जीती डेनियल रिकियार्डो ने, रेडबुल चलाते हैं। अजरबैजान ग्रां प्री लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रां प्री लुइस हैमिल्टन,
और मोनेको ग्रांड प्री डेनियल रिकियाडो रेडबुल। इनमें से सरस्वती सम्मान किसके लिए मिला है? इनकी जो कविताओं का संग्रह है उसको बोलते हैं वखार। इनका नाम है सितांशु यशश्चंद्र। ये कहां के हैं? ये गुजरात के हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है जो भारत में तीसरा रेलवे स्टेशन है जहां पे एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी दी जाएंगी? ये एयरपोर्ट स्टेशन है सूरत। सबसे पहला कौन सा था? हबीबगंज। हबीबगंज कहां पे है? भोपाल में। और ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जिसका निजीकरण किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था। और दूसरा है गुजरात का गांधीनगर और तीसरा है गुजरात का ही सूरत। सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी। एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी यहां पे दी जाएंगी। और याद रखिए भोपाल रेलवे स्टेशन भारत का पहला है जहां पे वेंडिंग मशीन लगाई गई थी सैनिटरी नैपकिन के लिए। सबसे पहली लगाई गई थी भोपाल में ही। अभी अभी एक सर्वे हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने करवाया है। भारत का सबसे जो डर्टी रेलवे स्टेशन है वो है कानपुर का। भारत जो है वो जो आपदाएं होती हैं डिजास्टर उन पे एक नेशनल डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगा। कब तक करेगा? कब तक डेडलाइन है? भारत तैयार करेगा 2020 तक। कितने मेडल भारत ने जीते? 56वें बेलग्रेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो सर्बिया में हुआ था, भारत ने जीते टोटल 13 मेडल, जिनमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। गोल्ड किसने जीते उनके नाम पूछ सकते हैं, सुमित सांगवान, हिमांशु शर्मा और निखट। इनमें से भारत की तरफ से कौन बच्चा है जो भारत को जिसने रिप्रेजेंट करा फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप सोशल प्रोग्राम जो मॉस्को रशिया में होगा? तो दो बच्चे हैं ये, एक का नाम है सूर्य वरिकुट्टी और दूसरा है रुद्रेश गोडनोर। और बता दूं आपको रशिया में इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा, 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप। पिछला वाला खेला गया था रियो डी जेनेरियो शहर में जिसको जर्मनी ने जीता था। इस बार कौन जीतेगा देखते हैं। और जो फुटबॉल की बॉडी है उसको बोलते हैं फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो पक्षी विहार हो, चाहे कुछ भी हो, और जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व हैं उनको प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दिया है, वहां पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। ये करा है अभी अभी पर्यावरण मंत्रालय ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत की क्या रैंक है उन कंट्रीज में जिनके खिलाड़ी ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में और मॉन्ट्रियल है कनाडा में। भारत का स्थान है छठे नंबर पे। नंबर वन पे कौन है? इटली। नंबर दो पे फ्रांस। नंबर तीन पे अमेरिका। इनमें से हॉकी का भारत का नया कोच कौन बना है? मेंस टीम का। मेंस टीम के बने हैं हरेंद्र सिंह। मैं रिपीट करता हूं, मेंस टीम के बने हैं हरेंद्र सिंह और महिलाओं की टीम के बने हैं जोआर्ड मरिजने। और जोआर्ड मरिजने पहले मेंस टीम के थे और हरेंद्र सिंह वुमेन्स टीम के थे, यानी आपस में अदला बदली कर ली है। अब हरेंद्र सिंह बने हैं मेंस टीम के और जोआर्ड मरिजने बन गए हैं वुमेन्स टीम के। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 40 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना शुरू करी है पीने के पानी की जिसका नाम है कंडा पतन सरका घाट वाटर सप्लाई स्कीम? जिस जगह पे करी वो है चोलथारा। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और मंडी डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। महाराष्ट्र की सरकार ने कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बाहिना बाई चौधरी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? ये यूनिवर्सिटी है जलगांव में, जलगांव, और इसको बोलते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। कौन सा नोबेल प्राइज इस साल नहीं दिया जाएगा? यह कहा है स्वीडिश एकेडमी ने। इस साल साहित्य के लिए, जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज है वो नहीं दिया जाएगा और इसकी बजाय 2019 में दो व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। भारत का कौन से राज्य में पैक्योंग एयरपोर्ट है जो भारत का 100वां एयरपोर्ट बना? यह पैक्योंग एयरपोर्ट जो है वो है सिक्किम में। इससे पहले सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य था जहां पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, कोई भी नहीं था। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू करी है जिसको बोलते हैं खुंग गांग छाटसी, यानी गांव में वापस जाओ, ये स्टार्ट करी है? ये बीरेन सिंह है और ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर में स्टार्ट करी है। कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है भारत का जो जमीनों के कागज हैं डिजिटली साइन एक्सेप्ट करेगा? डिजिटली साइंड अगर होंगे तो एक्सेप्ट करेगा। इनको 7/12 रसीद बोला जाएगा, 7/12 रसीद। यह है महाराष्ट्र की सरकार का निर्णय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस।
भारतीय आर्मी ने एक एक्सरसाइज करी वज्र प्रहार, इनकी साउथ वेस्टर्न कमांड ने करी है विजय प्रहार। वैसे आपसे चलो अब मुंह से निकल गया तो पूछ ही लेता हूं, वज्र प्रहार भारत कौन से देश के साथ करता है? वज्र प्रहार भारत कौन से देश के साथ करता है कमेंट्स में लिख के बताओ। ये है विजय प्रहार, विजय प्रहार करी हमने राजस्थान के सूरतगढ़ में, सूरतगढ़। सो आंसर है राजस्थान। इनमें से पर्यावरण मंत्रालय ने क्या बैन कर दिया, इनमें से कॉन्फेटी बैलून, पार्टी पोपर या कैंडल? तो आंसर है पार्टी पोपर, पार्टी पोपर बैन कर दिया है क्योंकि ये इनमें कई तरह के विस्फोटक पाए जाते हैं तो ये फट सकते हैं। ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलाउ कर दिया है, अब कौन सी मोबाइल ऐप पे आप अपनी पेंशन की जानकारी देख सकते हैं, अपनी पेंशन पासबुक देख सकते हैं? ये ऐप है उमंग ऐप। उमंग ऐप को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। कौन सा अंतरिक्ष यान है जो नासा ने अभी अभी दागा है मार्स को एक स्टडी करने के लिए? मार्स को एक यानी मंगल ग्रह पे क्या क्या तूफान आते हैं, क्या क्या वहां होता है, यह स्टडी करने के लिए। इसका नाम है इनसाइट मिशन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अपना अप्रूवल दे दिया है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन व्हाट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को खत्म करना चाह रहा है, अब भारत ने भी अपनी मंजूरी उसको दे दी है। यह है तंबाकू सेवन यानी टोबैको को कंट्रोल करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 31 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। महात्मा गांधी जी, इनकी 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं वर्षगांठ होगी और इनका बर्थडे जो है 2 अक्टूबर 2019 को, यही हमारा स्वच्छ भारत मिशन की डेडलाइन भी है, इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनी है, इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर हैं, 125 मेंबर हैं। इनकी पहली बैठक हुई और पहली बैठक जो हुई इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और बता दूं आपको 125 में से 116 तो भारत के मेंबर हैं और 9 विदेशी भी हैं, और जो 9 विदेशी हैं वो कोई छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, डेस्मंड टूटू अफ्रीका के, और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बन की मून, कोफी अन्नान जो पूर्व चीफ हैं UN वगैरह के, तो 9 हैं विदेशी और 116 हैं भारत के लोग। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं TS विजयन के बाद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र खुंटिया। अभी अभी एक स्टडी के हिसाब से जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट बन रहा है इस देश में, उसकी वजह से तपानूली ओरेंग उटान जानवर खत्म हो रहे हैं। ये कौन से देश में खत्म हो रहे हैं? ये देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। डकोटा DC-3 VP-905, हमारे राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने एक इंडियन एयरफोर्स को एक विमान गिफ्ट करा है, तो इंडियन एयरफोर्स ने उसका नाम क्या रख दिया है? इंडियन एयरफोर्स ने इसका जो नाम है वो रख दिया है परशुराम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, इसके हिसाब से भारत कौन से देश को पीछे छोड़ के अपनी मिलिट्री पे सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया दुनिया का। सबसे ज्यादा खर्चा करता है अमेरिका, फिर करता है चाइना, फिर सऊदी अरब, फिर रशिया, और फ्रांस को पीछे छोड़ के भारत अब आ गया है 5वें नंबर पे। सो आंसर है फ्रांस को हमने पीछे छोड़ा है। ये महिला है और ये न्यूयॉर्क सिटी में एक सिविल कोर्ट में इंटरिम जज बन गई है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दीपा अंबेकर। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन का अवार्ड मिला है इंडियन रेलवेज में? ये जो स्टेशन है दो हैं, चंद्रपुर और बल्लर शाह स्टेशन। और ये कहां पे है चंद्रपुर और बल्लर शाह स्टेशन? ये है नागपुर में, नागपुर है महाराष्ट्र में। सेकंड प्राइज मिला है मधुबनी रेलवे स्टेशन को जो समस्तीपुर डिवीजन में आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार में, और मदुरई को भी सेकंड प्राइज मिला है, दोनों को मिला है, मदुरई को भी और समस्तीपुर वाला जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है। और तीसरे नंबर पे तीन स्टेशन है जिनको थर्ड प्राइज मिला है, कोटा राजस्थान जो चंबल नदी के किनारे सेंट्रल रेलवे में आता है, गांधीधाम स्टेशन वेस्टर्न रेलवे, और सिकंदराबाद स्टेशन। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के साथ मिलकर पहला ऑर्गेनाइज सेंसस करा इंडस डॉल्फिन के लिए, गिनने के लिए कि इस राज्य में कितनी इंडस डॉल्फिन बची है? आपको बता दूं पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य है और उस राज्य में भी सिर्फ एक ही नदी है और उस नदी में भी सिर्फ 165 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां पे इंडस डॉल्फिन पाई जाती है और कुछ ही बची हैं, ब्यास नदी में। ब्यास नदी अमृतसर के पास है, तो आंसर है पंजाब। इंडस डॉल्फिन यहां पे पाई जाती हैं। इंडस डॉल्फिन जो होती हैं अंधी होती हैं, देख नहीं सकती, तो ये चमगादड़ की तरह एको का इस्तेमाल करती हैं, जो हमारी तरंगे हैं साउंड की उसका इस्तेमाल करती हैं अपनी मूवमेंट के लिए। और एक इरावटी डॉल्फिन भी होती हैं, म्यांमार में एक नदी है इरावटी, उसके नाम पे इरावटी डॉल्फिन इनका नाम रखा गया है। इरावटी डॉल्फिन भारत में सबसे ज्यादा है उड़ीसा के चिल्का लेक में।
कितने भारत के शहर हैं जो दुनिया के 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में जिनका नाम आया है पीएम 2.5 लेवल्स को अगर हम देखें, ये हैं 14 शहर और सबसे ज्यादा विषैली हवा है कानपुर की। कानपुर है उत्तर प्रदेश में और कानपुर में अभी अभी उत्तर प्रदेश का पहला बटरफ्लाई कंजर्वेशन पार्क बना है, उत्तर प्रदेश का पहला तितलियों के संरक्षण के लिए बना है और मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क बना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट पहले जो कर सकते थे, बूढ़े लोगों के लिए है ये, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए है, 60 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए है ये स्कीम, 7.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अब कितना कर सकते हो, अब इसको डबल कर दिया है, 15 लाख कर सकते हो और इस पे आपको 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना पे। पहले अफ्रीका के खिलाड़ी कौन है, कौन बने जिनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया फुटबॉलर राइटर एसोसिएशन ने, ये इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, इजिप्ट के खिलाड़ी, इनका नाम है मोहम्मद सलाह और ये लिवरपूल के लिए खेलते हैं। लिवरपूल अभी फाइनल में हार गई चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका नाम बदल दिया है। नया नाम क्या है इसका? नया नाम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो नाम पलट के अब ये कर दिया है और ये 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इस पे खर्चा होगा लगभग 4,000 करोड़ रुपए और ये उन गांवों में चलेगा जहां पे कम से कम जो अल्पसंख्यकों की आबादी है 50% से ज्यादा होती थी पहले वाले में मल्टी सेक्टोरल में, अब इसको कम करके कर दिया 25%। मैं रिपीट कर देता हूं, वो गांव जिनमें माइनॉरिटीज की जनसंख्या 25% है कम से कम, उनमें चलाया जाएगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। पहले 50% चाहिए होता था, अब सिर्फ 25% माइनॉरिटी वालों में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में उनका क्या स्थान है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में नंबर 1 पे हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, नंबर 2 पे हैं व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति, नंबर 3 पे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी हैं 9th नंबर पे दुनिया में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक बिल पास कर दिया है, बिल को मंजूरी दे दी है, अगर यहां पे आप लेबर रूल्स फॉलो नहीं करते तो आपको 20,000 से 50,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। ये जो रूल है ये बनाया है दिल्ली की सरकार ने और इसमें कई तरह की कंडीशन है, जैसे अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है, अकुशल जो कर्मी है, उसको कम से कम देना पड़ेगा आपको 13,350 रुपए एक पर मंथ, सेमी स्किल्ड को देना पड़ेगा 14,698 और स्किल्ड यानी कुशल जो वर्कर है उसे देना पड़ेगा 16,182, अगर ये नहीं दिया तो 20,000 से 50,000 रुपए तक का फाइन आपको हो सकता है। कॉक्लियर इम्प्लांट अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कान का पर्दा होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कईयों में कान का पर्दा फट जाता है तो फिर नया पर्दा डालना पड़ता है, तो इसका नाम रखा था स्वर स्वागतम। ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन करा कृष्ण पाल गुर्जर ने। और ये कृष्ण पाल गुर्जर कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य के मंत्री हैं। और यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है जो भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला है और इस बार इसमें थीम स्टेट कौन सा था? दोनों कमेंट्स में लिख के बताइए। कौन से राज्य की सरकार है जिसने ये डिसाइड करा है कि हर 1 लीटर दूध पे 3 रुपए की सब्सिडी मिलेगी अगर आप इसे मिल्क पाउडर बनाते हो? ये ऑफर दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। कौन से राज्य की सरकार ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है? इस राज्य में बन रहे हैं 7 स्मार्ट सिटी। ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत का यह बनाया है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी कौन कौन से बन रहे हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर। भारत में कितने बन रहे हैं? 99। पूरे भारत में 99 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बन रहे हैं? 10, महाराष्ट्र में। उस खनिज का क्या नाम है जो वैज्ञानिकों ने खोजा है अभी अभी और यह चांद के ऊपर खोजा है? इसका नाम है मोगानाइट। और इसको खोजा कौन से देश के वैज्ञानिकों ने है? जापान। कौन सा देश है जिसने, जो बेसिकली भारत की मदद करेगा और भारत इस देश की मदद करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अस्थाई मेंबरशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम सपोर्ट करेंगे? ये एग्रीमेंट हमने कराया अभी अभी ग्वेटेमाला के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे राष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू, वो गए थे ग्वेटेमाला। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐप लॉन्च करी है NCBN, नारा चंद्र बाबू नायडू, इस ऐप का फुल फॉर्म है तो आप समझ गए होंगे, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने करी है।
दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन से देश के बने हैं? आंसर है महाथीर मोहम्मद, मलेशिया के। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है भरोसा नाम की जगह पे। ये कहां पे है ये भरोसा नाम की जगह? ये है हैदराबाद में, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरे राष्ट्रपति बने जो सियाचिन गए। पहले कौन थे? पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम। इसको सियाचिन को थर्ड पोल भी बोला जाता है, थर्ड पोल। इनके साथ हमारे आर्मी के चीफ बिपिन रावत भी गए थे। वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे जो पुरानी दूसरी सबसे पुरानी चट्टान खोज निकाली भारत में, कहां पे? ये केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में की है, और जिस जगह पे की है उसका नाम है चंपुआ, चंपुआ। उड़ीसा की सरकार ने भारतीय हॉकी टीम को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, 5 साल के लिए स्पॉन्सर किया है, और उड़ीसा में इस साल हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2018। कौन सी कंपनी है जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला? क्योंकि इन्होंने रोटा वायरस के खिलाफ दवाई बनाई है। रोटा वायरस बच्चों में मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रोटा वायरस से दस्त लग जाते हैं बच्चों में और पानी की कमी से बच्चे मर जाते हैं। इसकी दवाई अब बना दी है भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने, और दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है रोटावैक। वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि मुंबई में जो अरब सागर है, अरब सागर में मुंबई है, तो मुंबई की बीचेस अचानक रात को चमकने लगी हैं। मुंबई की जो बीच है चमकने लगी है रात को एक एल्गे कवक की वजह से, जिसका नाम है नॉक्टिल्यूका एल्गा, नॉक्टिल्यूका एल्गे। ये क्यों यहां पे पाया जा रहा है, मतलब ये क्यों इसमें पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉक्टिल्यूका एल्गे। इसको हम सी टिंकल भी बोलते हैं, तो एग्जाम में हो सकता है इसका कॉमन नेम आ जाए, जो है सी टिंकल। कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2018 बिम्स्टेक समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है? यह निर्णय लिया है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का, और अमजद हुसैन सियाल सार्क के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खकान अब्बासी हैं, और कमर बजवा यहां के आर्मी चीफ हैं, राजधानी इस्लामाबाद है। कौन से राज्य की सरकार ये पहली सरकार बनी है भारत में जिसने मिनिस्ट्री ऑफ नॉन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के गृह काउंसिल के साथ अपने जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उन्हें यह कहा है कि सरकारी बिल्डिंग्स को रेट करो कि वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में कौन सी कितनी आगे है? ये कहा है अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने। यह पहला राज्य बना गृह काउंसिल के साथ एग्रीमेंट करने वाला। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ऋतु बंधु स्कीम शुरू करी है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये करी है तेलंगाना ने, तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। सरकार ने यह कहा है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो लाइसेंस प्लेट है उसका रंग क्या होगा? उसका रंग होगा ग्रीन, और ये ग्रीन दो तरह से होगा। ग्रीन के ऊपर व्हाइट में लिखा जाएगा अगर प्राइवेट गाड़ी है, अगर टैक्सी है तो येलो कलर में लिखा जाएगा ग्रीन प्लेट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट या एसिड अटैक के विक्टिम हैं उनको कितना मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा अगर उनका पूरी तरह से चेहरा बिगड़ जाता है, टोटल डिसफिगरमेंट, ये दिया जाएगा 7 लाख रुपए, 7 लाख। तो ये अनाउंसमेंट हुई है, अगर एसिड अटैक में पूरा चेहरा जल जाए तो 7 लाख, अगर एसिड अटैक में 50% जल जाए तो 5 लाख, अगर रेप या कोई किसी तरह का यौन उत्पीड़न होता है, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, तो 4 लाख, ये मिनिमम है, मिनिमम। और अगर जान चली जाए या गैंग रेप तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। भारतीय नेवी ने अभी अभी निगरानी के लिए एक जहाज भेजा INS सुमेध। ये कौन से देश में भेजा? ये भेजा मालदीव में। मालदीव से हमारे रिश्ते थोड़े बिगड़े हुए हैं इस वक्त, तो ये हमने जहाज भेजा है INS सुमेध। कौन से राज्य की सरकार ने एग्रीमेंट साइन करा है यूनाइटेड किंगडम के साथ बायोगैस और बायो CNG प्लांट बनाने के लिए? ये राज्य है पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। नीति आयोग ने डिसाइड करा है कि मार्च 2019 तक कितनी अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी? ये बनाई जाएंगी 5000 अटल टिंकरिंग लैब, और ये भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएंगी। भारत और फ्रांस की नेवी ने मिलकर एक्सरसाइज करी वरुण, कहां पे करी? ये करी रीयूनियन आइलैंड के ऊपर, रीयूनियन आइलैंड। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, पैनल बना है, जो भारत में काला धन वापस कैसे लाएं और भारत में सरकारी बैंकों का बुरा हाल क्यों है इस पर चर्चा करेगा, शोध करेगा। इसका चेयरमैन कौन बना है? इसके चेयरमैन है वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। इनमें से कौन सी कंपनी ने एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप बनाया है जिसका नाम है स्क्वेरल, जैसे व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं उसी तरह स्क्वेरल, स्क्वेरल मतलब होता है गिलहरी।
यह बनाया है याहू ने। इनमें से कौन सा पुल है ब्रह्मपुत्र नदी पे जो भारत का सबसे लंबा रेल और रोड का पुल बन गया है, और यह जोड़ेगा किसको आपस में, यह भी याद रखिए। यह असम के दिब्रुगढ़ को जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट। यह पासीघाट वही जगह है जहां पर अरुणाचल प्रदेश में पहली फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। इस ब्रिज का नाम है बोगीबिल ब्रिज, और यह बोगीबिल जो ब्रिज है इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। हमारे कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, इन्होंने फ्रोजन सीमेन स्टेशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उसका उद्घाटन करा। कहां पे किया? ये किया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। इनमें से राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने एक कमेटी बनाई है, अभी अभी हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं ये, जो राज्यसभा में कैसे कार्य किया जाता है इस पर शोध करेगी, चर्चा करेगी। इसकी अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष बनाया है इन्होंने वीके अग्निहोत्री को, वीके अग्निहोत्री कमेटी। भारत का सबसे बड़ा झंडा अभी अभी फहराया गया हैदराबाद में। इसे किसने फहराया? इसको फहराया मशहूर एक्टर जो अब नेता बन गए, पवन कल्याण, और पवन कल्याण की पार्टी का नाम है जनसेना। जनसेना, यह झंडा 122 फीट लंबा और 183 फीट चौड़ा है। कौन से राज्य की सरकार पोलैंड के साथ मिलकर जनरेशन टू जनरेशन प्रोग्राम चलाएगी? पोलैंड एक्चुअली क्या है, इस राज्य में एक राजा होते थे जिनका नाम था जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त पोलैंड के लोगों को आश्रय दिया था, रेफ्यूज दिया था, 600 लोगों को, महिलाओं को और बच्चों को। तो पोलैंड हमारा हमेशा से तब से एक एहसानमंद है। ये राज्य है गुजरात। गुजरात, ये है विजय रूपानी वहां के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने रामायण सर्किट का उद्घाटन करा। कहां से किया ये करा? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनेंगी 13 तरह की सर्किट भारत में, अलग अलग, रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल सर्किट, 13 तरह की बनेंगी, याद रखिए। जनकपुर से करा, जनकपुर। इसके अलावा बस सर्विस भी शुरू करी है अभी अभी, जनकपुर और अयोध्या के बीच में बस स्टार्ट हुई है। एक अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं भारत और नेपाल मिलकर, यह बनेगा तुमलिंगगर नेपाल में, और इसका लाइसेंस दिया है SJVN नाम की कंपनी को। और एक ट्रेन भी चलेगी बिहार के रक्सौल और नेपाल के काठमांडू के बीच में। सिक्किम की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? यह है मशहूर सिंगर जिनका नाम है मोहित चौहान, और इनके जो बैंड का नाम है वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट, कौन सा कैंपेन स्टार्ट करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? हमारे खाने में से जो ट्रांस फैट होते हैं, नकली फैट जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसफैट। ये खत्म करने के लिए 2023 तक, इसका नाम है रिप्लेस। इसमें 6 तरह की चीजें अपनाई जाएंगी हमारे खाने में से ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए। WHO के हिसाब से हमारे खाने में 1% से ज्यादा ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए, और 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, जो मक्खन और इन सब में होता है, मांस वगैरह में। केंद्र सरकार ने डिसाइड करा है भारत में बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। कहां पे बनेगा? ये बनेगा भोपाल में, जो भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। सबसे साफ है इंदौर और तीसरा सबसे साफ है चंडीगढ़। कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करा है जिसका नाम है समर्थ? ये स्टार्ट करा है कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। और रेलवे ने स्टार्ट करा है कौशल विकास प्रोग्राम जिसका नाम है सक्षम। तो सक्षम और समर्थ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड किसे दिया? ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड थे जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिए। इनका नाम है एस पजानी कुमार। और मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर एस पजानी कुमार तो थे 2017 के लिए, और 2016 के लिए कौन थे? YST राजू। ये अवार्ड भी अभी अभी दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? 2017 के लिए मिला है वीके सारस्वत को, और 2016 के लिए मिला है वासुदेव कलकुंटे आत्रे को। ये चारों अवार्ड आपको याद रखने। नागरिक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी अभी 2 हाईवे उद्घाटन करा है उनका, NH7 और NH54। कहां पे करा है? ये करा है भटिंडा, पंजाब में। NH7 जोड़ेगा भटिंडा को जीरकपुर से, और NH54 जोड़ेगा भटिंडा को अमृतसर से। अभी अभी भारतीय आर्मी की महिला ऑफिसर, उन्होंने कौन से पर्वत का पर्वतारोहण किया, यानी कौन से पहाड़ की चढ़ाई करी? यह पहाड़ है माउंट भागीरथी द्वितीय, काफी ऊंचा पहाड़ है, 6512 मीटर ऊंचा पहाड़ है। कहां पे है? यह है गंगोत्री नेशनल पार्क के पास, गढ़वाल के पहाड़ों में, उत्तराखंड में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक फ्रीट विलेज बनाने का निर्णय लिया है। यह हरियाणा में कहां पे बनेगा फ्रीट विलेज? इसको मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बोलते हैं। यह बनेगा नांगल चौधरी नाम की जगह पे।
नांगल चौधरी। अभी अभी ये किताब लिखी है हिडन इंडिया, किसने लिखी है ये एक साइंटिस्ट भी हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है लतिका नाथ। और अभी अभी इस महीने में ये छह किताब और आपको याद रखनी है। सी एच हनुमंत राव ने किताब लिखी है माय जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। डॉक्टर रजत भार्गव ने लिखी है अ ट्रीटीज ऑन क्लैनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। अरविंद मोहन ने लिखी है मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी। आशुतोष पार्थेश्वर ने चंपारण आंदोलन 1917 के ऊपर किताब एडिट करी है। और श्रीकांत ने एडिट की है पीर मोहम्मद मुनीस कलाम का सत्याग्रही। इनमें से हमारा आईपी मैस्कॉट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कॉट, हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने किसे बनाया है? इनका नाम रखा है आईपी नानी, आईपी नानी। और इनका जो ग्रैंडसन है वो है आदित्य, आदित्य। केंद्र सरकार ने नया एम्स बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे बनेगा नया एम्स? ये बनेगा देवगढ़ में। देवगढ़ कहां है? झारखंड में। और आपको बता दूं पिछले साल का जो बजट था 2017-18 का, उसमें दो एम्स बनने का निर्णय लिया था। अरुण जेटली ने कहा था दो एम्स बनेंगे। इस साल के बजट में कोई भी नया एम्स बनने की पेशकश नहीं की गई है। पिछले साल एक तो था गुजरात में और एक झारखंड में, तो झारखंड वाला बनेगा देवगढ़ में। इसके लिए बजट पास हो गया 1103 करोड़ रुपए का। इनमें से कौन सी फुटबॉल एसोसिएशन है भारत की जो अपनी खुद की एक प्रोफेशनल लीग शुरू कर रही है? यह है फुटबॉल दिल्ली, दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन। कौन सी कंपनी है जिसने भूषण स्टील का 72% हिस्सा खरीद लिया है? यह खरीदा है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील, इन्होंने बेसिकली जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। कौन सा बैंक है जिसने एजेंडा 2025 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए शुरू करा है? यह बैंक है यस बैंक। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राणा कपूर। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा है पर्यावरण मंत्रालय के लिए। ये 5.5 लाख वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहते हैं हम पर्यावरण के क्षेत्र में 30 कोर्सेज के थ्रू। कब तक? डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है 2021। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बनाए जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा? यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में। गुवाहाटी में एक मंदिर भी है जिसको बोलते हैं कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत, इन्होंने एक कम्युनिकेशन प्रयोगशाला, संचार प्रयोगशाला का उद्घाटन करा। यह भारतीय आर्मी ने कौन से देश में बनाई है? यह हमने बनाई है कैंडी में, और कैंडी है श्रीलंका में। आईसीसी का चेयरमैन दोबारा कौन बन गया है 2 साल के लिए? ये पहले बने थे 2016 में 2 साल के लिए, 2018 में दोबारा बन गए हैं। इनका नाम है शशांक मनोहर। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है कमेंट्स में लिख के बताओ। इनमें से पत्रकारिता में अपने आजीवन योगदान के लिए रेड इंक अवार्ड किसे मिला? इनका नाम है मार्क टुली। और साल की सर्वश्रेष्ठ पत्रकार मिला फाई डिसूजा, फाई डिसूजा मिरर नाव की पत्रकार है। भारत का पहला एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी, ये कहां पे खुला है? ये फगवाड़ा पंजाब में खुला है, फगवाड़ा पंजाब में। और ये भारत का 192nd पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र था। इसका संचालन करेंगी पूरी तरह से महिलाएं। एनटीपीसी ने अभी अभी 3 पावर प्लांट खरीद लिए हैं। इन तीनों पावर प्लांट की कैपेसिटी मिला के है लगभग 3500 मेगावाट। कहां पे खरीदे हैं ये? एक तो है कांती मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक है बरौनी बेगूसराय में, और एक है नाभी नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तीनों है बिहार में। कौन सा देश है जो दूसरा देश बना जिसने जेरूसलम में अपनी एम्बेसी खोली है, अपना दूतावास खोला है? ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है ये। सबसे पहला कौन सा था? अमेरिका। दूसरा ये है, इसका नाम है ग्वेटेमाला। और अभी अभी अनाउंस करा है पैराग्वे ने कि वो भी अपनी एम्बेसी शिफ्ट करेगा तेल अवीव से जेरूसलम में। कौन सा शहर सबसे साफ डिक्लेयर किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो ये आसान सवाल है, ये है इंदौर। दूसरा था भोपाल, तीसरा चंडीगढ़। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था झारखंड। ये सारे अवार्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। गाजियाबाद फास्टेस्ट मूविंग बिग सिटी, झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ग्रेटर मुंबई क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल, नागपुर बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, नावी मुंबई कचरा प्रबंधन में सबसे बेस्ट सिटी था, विजयवाड़ा सबसे अच्छा क्लीन सिटी बिग सिटी, क्लीनेस्ट बिग सिटी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, मैसूरू क्लीनेस्ट मीडियम साइज का सिटी, क्लीनेस्ट छोटे साइज का सिटी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे क्लीन आर्मी कैंटोनमेंट है दिल्ली का, और सिटीजन फीडबैक में सबसे अच्छा शहर है कोटा। कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कृषि महाअभियान और बीज विकास वाहन रथ ये दोनों लॉन्च करे किसानों के लिए? इसको लॉन्च करा अभी अभी लेटेस्ट एकदम नीतीश कुमार ने बिहार में। एक तो कृषि महाअभियान लॉन्च करा है और एक बीज विकास वाहन रथ लॉन्च करा है। कौन से राज्य की सरकार है
जिन्होंने ये कहा है अगर कोई रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो शुरू के 48 घंटों में उसका खर्चा जो होगा वो हम उठाएंगे 50,000 रुपए तक। ये अनाउंस कराया अभी अभी गुजरात की सरकार ने। ये जो फोटो में देख रहे हो ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है मिस्टर पटेल, ये नितिन पटेल है इनका नाम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं, ये रिप्लेस करेंगे सुरेश कुमार को, इनका नाम है अनिल कुमार झा। हमारे कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल, हमारे वित्त मंत्री भी पीयूष गोयल हैं आज की तारीख में। निपा वायरस केरल में फैल रहा है, निपा वायरस को लेके कौन उड़ता है, इसका नेचुरल होस्ट कौन है, इसका नेचुरल होस्ट है फ्रूट बैट, फ्रूट बैट यानी चमगादड़, ये मलेशिया से भारत में आया है। कौन सा कंट्री है जिसने अपना बंदरगाह हमें दे दिया है, हम अपनी आर्मी रख सकते हैं इसमें, मिलिट्री रख सकते हैं, सबांग पोर्ट, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया ने भारत को दे दिया है, इंडोनेशिया। और प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के लिए जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, जैक विडोडो से मिलेंगे, वो वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है जैक विडोडो उनसे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडोनेशिया हमारे लिए। कौन से राज्य की सरकार ने कहा है कि महिलाओं को पुलिस में 10% आरक्षण मिलेगा, ये त्रिपुरा ने कहा है, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। जोजिला सुरंग का उद्घाटन करा प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में, इस सुरंग की लंबाई कितनी है, ये श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ेगी, 6,809 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है ये, 14.2 किलोमीटर की सुरंग है, 14.2 किलोमीटर की सुरंग है। और जोजिला पास को ट्रेवल करने में जो टाइम है 3.5 घंटे लगते थे, अब लगेंगे सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। पहली साउथ एशियन कौन बनी है जो ओरिगन में इलेक्ट की गई है, इनका नाम है सुशीला जयपाल। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो एक ऐतिहासिक घर है जिसे बोलते हैं बेंटोनी कैसल एस्टेट, उसका ये जीर्णोद्धार करेगा, 25 करोड़ रुपए लागत से रेनोवेट करेगा। कहां पे है ये घर, ये जो घर है वो है शिमला में। नासा की स्टडी है, इसके हिसाब से दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होने वाली है, ये है इंडिया, क्योंकि यहां पे पानी का जो नुकसान है ओवर यूज हो रहा है, यानी पानी वेस्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ये नासा का मिशन है, इसको बोलते हैं ग्रेस, और ग्रेस के लिए इन्होंने ग्रेस एफओ मिशन भी अभी अभी करा है, ग्रेस पहले किया था, अब उसके फॉलोअप सैटेलाइट है ग्रेस एफओ यानी फॉलो ऑन मिशन। ग्रेस की फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। भारत का मौसम विभाग, उन्होंने कहा है कि भारत के 5 राज्यों में एक तूफान आ सकता है, क्या नाम है इस चक्रवात का, इसका नाम है सागर। कहां कहां आ सकता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी आ सकता है, यूनियन टेरिटरी में भी आ सकता है। और अभी अभी आया है एक चक्रवात मैकुनू, मैकुनू आया है ओमान और यमन में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम है एचडी कुमारस्वामी। गठबंधन सरकार बनी है कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की, और ये जनता दल सेकुलर के वो हैं चीफ हैं। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम होंगे जी परमेश्वर। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने डिसाइड करा है रिस्पाना नदी को बचाने के लिए उसके आसपास पेड़ लगाएंगे, ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, यहां पे राजा जी टाइगर रिजर्व है और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कौन सा कंट्री है जिसने तैरता हुआ दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, जिसका नाम है अकेडमिक लोमोनोसोव, ये कंट्री है रशिया, रशिया। कौन सी टीम ने यूएफए यूरोपा लीग टाइटल जीत लिया है, इसमें मार्से को हराया फाइनल में एथलेटिको मैड्रिड ने, और मैं आपको बता दूं इसको कंफ्यूज नहीं करना रियल मैड्रिड से, दोनों स्पेन की राजधानी मैड्रिड की टीमें हैं, लेकिन रियल मैड्रिड ने जीता है चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग जीता है एथलेटिको मैड्रिड ने। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने पानी से आर्सेनिक, जहरीला जो पदार्थ पानी में होता है आर्सेनिक, उसको निकालने के लिए एक मशीन बनाई है जिसका नाम है एडीओ मुक्त धारा, इसको बनाया है अभी अभी IISER कोलकाता के वैज्ञानिकों ने। किसने आधारशिला रखी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, कोंडा पबलुरु गांव आंध्र प्रदेश में, किसने आधारशिला रखी इसकी, इसकी आधारशिला रखी वेंकैया नायडू ने। किस सिंगर को मिला है पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बांगा विभूषण, ये 4 लोगों को मिला है, उनमें एक है आशा भोसले सिंगर, और बाकी मैं आपको बता दूं किस किस को मिला है, 4 लोगों को मिला है, एक तो बंगाली सुपरस्टार प्रोशनजीत चटर्जी, श्यामल कुमार सेन जो न्यायमूर्ति हैं जस्टिस रिटायर्ड, और समरेश मजूमदार जो लेखक है, इन 4 लोगों को मिला है बांगा विभूषण। पहली बस्तरिया बटालियन नक्सलिज्म को रोकने के लिए कमीशन की गई अभी अभी, इसमें 543 ट्राइबल यूथ हैं, इनमें महिलाएं भी हैं, 189 महिलाएं हैं, ये किसकी मदद करेंगी, ये किसके अंतर्गत काम करेंगी, ये काम करेंगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत। भारतीय आर्मी ने अभी एक्सरसाइज करी है गांधी विजय,
जो अर्जुन का तीर, अर्जुन का धनुष था, उसका नाम था महाभारत में गांडीव। तो गांडीव विजय जो एक्सरसाइज करी है, ये करी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में। कौन से राज्य की सरकार ने निदान नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह, उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी? इसको बनाया है अगेन राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान में एक योजना भी चलती है, भामाशाह योजना, स्वास्थ्य के लिए। एंटी टेररिज्म डे, 27वीं डेथ एनिवर्सरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद की गई, किस दिन? यह था 21 मई। श्री परम्बुदुर 1991 को इनका असैसिनेशन कर दिया गया था एलटीटीई के आतंकवादियों द्वारा। कौन सा कंट्री है जो ट्रैकोमा मुक्त हो गया है? यह आंखों का रोग है एक ट्रैकोमा, भारत भी मुक्त हो गया है और नेपाल भी। तो आंसर है नेपाल, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का पूछा है तो आंसर है नेपाल। भारत से एक और डिजीज खत्म हो गया है जिसका नाम है रिंडरपेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई, लॉन्च करा किशन गंगा प्रोजेक्ट। कितनी कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट की? इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। किशन गंगा नदी पे बना है जो झेलम नदी की सहायक नदी है जम्मू कश्मीर में। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, क्या नाम है उनका? इनका नाम है शिवांगी पाठक। ये है हिसार की, हिसार है हरियाणा में। पहले सिख व्यक्ति जो मलेशिया में कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोविंद सिंह देव। नई सरकार बनी है महाथिर मोहम्मद की, उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिका में अपना पहला ऑफिस कहां खोला है? न्यू डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं ब्रिक्स को, तो ब्रिक्स में साउथ अमेरिका में कंट्री है ब्राजील, तो ब्राजील में खुला है। और अफ्रीका में खुला था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहला रीजनल ऑफिस। वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्लैक पैंथर एक फौज बनाई है, कौन से राज्य में? माओवाद नक्सलवाद से निपटने के लिए ये इन्होंने बनाई है, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़। और याद रखिए, एक मुढ़ोल हाउंड नाम का कुत्ता है जो कर्नाटक का है, इसको भारतीय आर्मी ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये पहला भारतीय नस्ल का कुत्ता है जो भारतीय आर्मी यूज करेगी। तेहरवा भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज कहां हो रहा है? ये हो रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। नीति आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और भीम ऐप को प्रमोट करने के लिए? यह है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के हिसाब से कितने एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं उजाला स्कीम के तहत? टारगेट है 77 करोड़, बांटे जा चुके हैं 30 करोड़। मैन बुकर प्राइज किसे मिला है? उनकी किताब जिसका नाम है फ्लाइट्स। ये कहां की है ये भी पूछा जा सकता है, ये पोलैंड की है और इनका नाम है ओल्गा तोकारजुक। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिसीव किया आईएनएसवी तारिणी की 6 ऑफिसर्स को जो सागर नाविका जो परिक्रमा है वो करके आई हैं। कहां पे रिसीव किया? इनको रिसीव किया गोवा के पंजी में, यहीं से चली थी ये और ऑस्ट्रेलिया गई, न्यूजीलैंड गई, फिर ये फॉकलैंड आइलैंड गई यूके के अंतर्गत जो आता है, फिर ये साउथ अफ्रीका के केपटाउन गई, फिर मॉरिशियस गई, फिर ये गोवा गई वापस। इनकी जो लीडर थी वो थी वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करी है? इसमें बेसिकली ये है कि किसी भी लड़की को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अगर वो शिक्षा लेना चाहती है, ये करा है हरियाणा सरकार ने। कौन सा शहर है जहां पे भारत और रशिया के बीच पहला अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई? ये हुई सोची शहर में रशिया के, और भारत और चाइना के बीच हुई वुहान में, इनफॉर्मल समिट हुई थी वुहान में। अरुणाचल प्रदेश की पहली फ्लाइट अभी अभी कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करी है? ये एयरपोर्ट है पासीघाट एयरपोर्ट। अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित करा है, भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? यह बनेगी मणिपुर में, यह बनेगी मणिपुर में। और मणिपुर में एक गांव है लिसांग गांव, लिसांग गांव, यह डिस्ट्रिक्ट है सेनापति डिस्ट्रिक्ट, यह भारत का आखिरी गांव है जिसका विद्युतीकरण किया गया, यह गांव बहुत इंपॉर्टेंट है लिसांग गांव। कौन सा कंट्री है जो वाइल्ड लाइफ पोचिंग यानी जानवरों का अवैध जो व्यापार होता है उसको रोकने के लिए हमारी मदद करेगा? ये है नेपाल। नेपाल और भारत एक दूसरे की मदद करेंगे एनिमल ट्रेड को रोकने के लिए। सो ये था वीडियो जो बेस्ट एमसीक्यू थे इस महीने के कंप्लीट एकदम। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर अपने एग्जाम में जा सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। आई होप ये वीडियो आपकी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रहती है उस पर खरा उतरा होगा और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। और जाने से पहले आपको याद दिला दूं, हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं इन दिए हुए एग्जाम्स के लिए, काफ़ी शानदार कोर्सेज हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपने ये वीडियो देखा है उसी तरह से पूरा कोर्स वीडियोस के रूप में खत्म किया गया है इन पेनड्राइव कोर्सेज में। अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं या studyiq.com विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपसे बस ये गुजारिश है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।